नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और अभी समय हुआ होगा 8-9 का टाइम हुआ होगा और इस टाइम पे मैं बिस्तर बना रही हूँ। एक्चुअली पहले मैंने कुछ और काम करने लगी थी और बिस्तर बनाना भूल गई थी, तो पहले अब बिस्तर बना रही हूँ। और आज मुझे करने हैं काफ़ी सारी क्लीनिंग, तो आप सब भी मेरे क्लीनिंग मोटिवेशन के लिए तैयार हो जाइए। और पूरे घर की क्लीनिंग होगी एक्चुअली, मतलब बेडरूम वगैरह का तो नहीं, लेकिन हाँ ड्राइंग रूम और किचन का होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बिस्तर बना रही हूँ और बिस्तर बनाने के बाद आप लोगों से थोड़ी देर के लिए बात करूँगी और बात करने के बाद फिर मैं बताऊँगी कि आगे वीडियो में क्या होने वाला है। तो जब भी आपके पास ऐसा होता है कि कभी कभी घर में अचानक से कोई काम आ जाता है और उसको करना ही पड़ता है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन के लिए कितना अपने आप को तैयार रखते हैं और उसको किस तरीके से हम लेते हैं और कैसे उसको पूरा करते हैं, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगी। वीडियो कहीं पे भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मुझे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि मैंने कौन सी वीडियो डाली है। तो बिस्तर बनाने के लिए देख सकते हैं कोई ज़्यादा झंझट की बात नहीं है, नॉर्मल चादर क्लीन किया है और बस पिलो वगैरह लगा लेते हैं। और आजकल तो एसी में भी अब ठंड लगने लगी है, तो थोड़ा सा जो हल्का वाला रजाई होता है उसकी ज़रूरत पड़ने लगी है, तो वही रख रहे हैं और उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और अभी सुबह की शुरुआत हो गई है, नाश्ता वास्ता हो गया है, नहाना धोना हो गया है और मैंने बिस्तर बनाया है। आज मेरे किचन में कुछ काम मुझे करवाना है जो कि है थोड़ा सा टाइल वर्क है और वो ज़रूरी हो गया था, क्योंकि क्या है कि हमारे किचन में थोड़ी स्पेस। तो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में, काफ़ी सारे वीडियो में देखा होगा कि मेरी एक छोटी सी अलमारी है जो कि मैं बर्तन रखने के लिए यूज़ करती हूँ। और वो बर्तन ऐसा होता है कि जो वॉश मशीन से धो के रखते हैं ना, तो उसी को मैं उसके अंदर शिफ्ट करती हूँ। एक माइक्रोवेव था जो उसी अलमारी में ऊपर की तरफ रखा हुआ था, पर उसकी वजह से ना किचन मेरा काफ़ी कंजेस्टेड हो गया था और कुछ भी अलग से ना, तो मैं कुछ उसमें डेकोरेट कर पा रही थी ना कुछ भी, मतलब नहीं कर पा रही थी। और बड़ी मुश्किल हो रहा था कि बर्तन, मतलब पूरे दिन यही होता है कि वॉश मशीन में कपड़े बर्तन गए, धुले, फिर उनको रखते, फिर उठाते, सारा टाइम उसी में ख़त्म हो रहा था। तो मैंने सोचा कि उसी जगह पे एक पत्थर लगवा लेती हूँ। एक्चुअली जब हमें ये फ्लैट मिला था तो वहाँ पे पत्थर नहीं थे वो, और वो खाली स्पेस थी। तो अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि वहाँ पर कैसे क्या था। और बस उसी जगह को मैंने टायर लगवा दिया है और देखती हूँ नीचे में ऐसे ही खाली रहने दूंगी या फिर कुछ अपना मैं खुद से ही कुछ ना कुछ उसके अंदर सही से रख लूँगी। तो वहाँ भी सही लग रहा है, जगह जितनी रहती है उसी के हिसाब से हम काम करते हैं। तो क्योंकि किचन बहुत छोटा है तो काफ़ी सारा सामान मुझे ड्राइंग रूम में भी रखना पड़ता है, जैसे कि मेरा फ्रिज भी ड्राइंग रूम में ही रखा हुआ है, मतलब कि जहाँ पे डाइनिंग टेबल है वहाँ पर। और यही सब कर रही हूँ। लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं किचन का बहुत सारा जो बर्तन वगैरह था वो मैंने बाहर रखा है, क्योंकि क्या हुआ कि जो काम हुआ ना अंदर, तो उसकी वजह से इस पर ना पूरे में डस्ट आ गए थे, तो इन सबको धोना पड़ा और फिर इन सबको बाहर कुछ इस तरीके से रख दिया। अब चलिए चलते हैं, ठीक करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक कप है जो कि सेट में लेके आई थी जब सिक्किम गई थी तब, और ये बॉक्स मैंने बनाया था, एक केक का डब्बा आया था तो उसको मैंने रख लिया था और क्लीन करके इसको मैंने बॉक्स बनाया था। इसकी शायद वीडियो होगी मेरे चैनल पर, तो इसी के अंदर मैं इसको कुछ इस तरीके से रख रही हूँ। इसमें ना ऊपर से ढक्कन भी है तो बहुत सुंदर लगता है, पर हाँ डेली यूज में इसकी मैं नहीं कुछ करती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं स्टोर करके रख दूँ, जब ज़रूरत होगी तो निकालेंगे। तो इस वजह से मैंने पहले इसको क्लीन करके और रख दिया है और इसे अब सही जगह पर रख देंगे, इसकी खास ज़रूरत मुझे होती नहीं है।
तो अब यहाँ तक पहुँची हूँ मैं। डाइनिंग टेबल सेट कर लिया और इस पर जितने भी बर्तन थे उस सब को मैंने अंदर रख लिया है, तो ये सारी चीज़ें क्लीन हो गई हैं। और अब चलते हैं अलमारी को सेट करने के लिए और आपको दिखाते हैं कि किचन में क्या लगाया है, क्योंकि ये डाइनिंग टेबल था ना तो वो कुछ ज़्यादा ही भरा हुआ था, तो मैंने सोचा पहले इसको ठीक कर लेती हूँ फिर आगे काम करूँगी। तो यहाँ पर अब मैं जो अलमारी हमारी बाहर आई है उसकी डस्टिंग कर रही हूँ। दरअसल क्या हुआ कि ये ना काफ़ी टाइम से अंदर रखा था और इसके अंदर माइक्रोवेव था, तो माइक्रोवेव की वजह से ना ये कभी भी इसकी सफाई नहीं हो पाती थी, तो आज इसी की सफाई कर रही हूँ और आप देखिए पूरा वीडियो। Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. तो यहाँ की भी डस्टिंग अब तकरीबन होने ही वाली है। इसके बाद मुझे इसके अंदर का जो सामान मैंने निकाला था बस जस्ट उसको रखना है, लेकिन थोड़े सही तरीके से। तो ये आप समझ सकते हैं कि चाहे तो क्रॉकरी यूनिट है या फिर जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन रखते हैं वो, मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर मैं रख लेती हूँ। ऊपर माइक्रोवेव के लिए भी मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ये स्टैंड है जो कि साथ में ज्वाइंट करने से ना थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो इसी अलमारी के हिसाब से मैंने इसको थोड़ा सा लंबा करके और इसमें रख दिया। और देखिए कुछ इस तरीके का है ये काफी पहले मैंने लिया हुआ था। और ये ऊपर कप होल्डर मैंने मंगवाए थे पर ये किसी काम का नहीं है। हाँ ये है कि कप के बिना आप कोई और चीज इसमें टांग सकते हैं, पर कप तो बिल्कुल नहीं टंगती क्योंकि ये लटक जाता है। तो अगर आप लोगों को ये कप होल्डर लेना है तो प्लीज मत लीजिएगा। चाहे तो इसको आप किसी मतलब नेल से, मतलब कील वील लगा करके उसको आप परमानेंट फिक्स कर लेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो वैसे ये ना बहुत ही नीचे की तरफ गिरता रहता है। तो यहाँ पर मेरे जैसे डेली यूज के ही बर्तन होते हैं, जैसे बाउल्स वगैरह है कांच वांच के, वो सारी चीजें। और बस इन सारी चीजों को ठीक करने में थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है। ये तो एक रैक था, फिर नीचे भी ये कुछ रैक्स हैं। तो यहाँ पर मैं रखती हूँ अपने जैसे कि लंच बॉक्स वगैरह, जो कि इतना यूज नहीं होता, फ्रिज के लिए भी कभी कभार यूज करती हूँ उस सबको। और मैंने बेटी को किचन के में ऊपर का स्लैब मतलब साफ करने के लिए चढ़ाया हुआ था, तो वो क्लीन कर चुकी है। अब देखिए दिखा रही है कि कपड़ा देखो कितना गंदा हो गया। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बनवाया क्या है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। इसलिए हुआ क्योंकि आज हमने यहाँ पर अरे हमने अब यहाँ लगा लिया, तो अब यहाँ पर ये हुआ कि हमारे डाइनिंग टेबल के पास ही सारा चीज़ हो गया। इधर फ्रिज है, इधर फ्रिज है, इधर माइक्रोवेव है ना, और इधर डाइनिंग टेबल है और इधर प्लेट्स हैं। तो अभी थोड़ा बहुत ठीक किया है, ज़्यादा ठीक नहीं कर पाई हूँ। और बीच में जो छूट गया था वो सबको इतना गंदा हो गया कि उसको फिर से धोना पड़ा। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हैं, ऊपर रखी हैं, तो बस तीन फ्लोर तो हो गया, अब सबसे नीचे वाले का काम बाकी है। तो ये मैंने बनवाया ही इसीलिए था कि इसमें मैं बर्तन वगैरह रखूँ। तो
लेकिन अभी मुझे इसको बाहर रखना पड़ा, मतलब मजबूरी है थोड़ी सी, थोड़ी बहुत सफाई की ज़रूरत और है, क्योंकि साफ तो मैंने किया था फिर भी इसमें लगा रह गया। और यहाँ पर मेरे आटा चावल के डब्बे होते हैं जो कि इसमें दो ही आ पाते हैं, ज़्यादा नहीं आ पाते, वैसे मेरे पास तीन है जो कि जिसका मैंने एक का देख सकते हैं ये बनाया हुआ था, तो इसको भी इसके अंदर रखना चाहती हूँ पर वो आता नहीं है, तो बस दो ही आ रहे हैं जिसमें आटा और चावल है। तो बस यही है, छोटी सी अलमारी जो कि मेरे बड़े ही यूज़ की है, तो इसमें सारा कुछ आ रहा है। बगल में ही हमारा फ्रिज है और यहाँ पर है हमारा डाइनिंग टेबल। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी रखी हैं जिनको मुझे अभी रखना है, तो ये सारा चीज़ भी मैं रख के और फिर आपको दिखाती हूँ। और मेरी एक ये छोटी सी ये अलमारी है जिसे मैंने अचार की वर्णी वगैरह रखी हुई है, और कुछ ऐसी चीज़ें रखी है जो कि एकदम कहीं जाते समय ना ज़रूरत पड़ जाती है। तो देखिए ये मैंने कितने सही से रखा है। यहाँ पर डस्टिंग वाले कपड़े हैं या किचन में जैसे काम आते हैं, तो ये मैंने कपड़ा लिया हुआ है जो कि बहुत अच्छा डस्टिंग में यूज होता है, चाहे कुछ भी आपको किचन में भी काम करना हो तो उसमें बहुत अच्छा यूज होता है। तो ये है, यहाँ पे मैंने पहले मैंने यहाँ पे टी का अपना बनाया हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे ग्रीन टी का पैकेट भी आपको दिख रहा होगा। छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि जैसे कि चाय ढकने के लिए जो होता है वो प्लेट्स वो है, और बाहर अगर जाना हो तो जस्ट कभी झोले की ज़रूरत पड़ती है ना तो वो मैंने यहाँ रखा हुआ है, जैसे सब्ज़ी वगैरह लेने जाना हो तो बस ज़रूरत की चीज़ें यहाँ रखी हैं। और ये रबर बैंड है जैसे कि कुछ बांधना हो या कुछ ऐसे। और यहाँ पर ये मेरी प्लेट्स रखी हैं जो कि चाय ढकने के लिए है। बस इतनी ही चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी हुई हैं। तो इसको मैं देखती हूँ कि चाय तो यहाँ रखूँगी या फिर इसको मैं किचन के अंदर ही ले जाती हूँ। तो बस मेरी ये जो कुछ बर्नीज है जिसमें मैंने कुछ कुछ रखा हुआ है, बहुत सारे तो खाली पड़े हैं क्योंकि मैंने रखा नहीं है सामान, तो इन सबको ठीक करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो चलिए आपको किचन में ले चलती हूँ। ये हमारे किचन का दरवाज़ा है और ठीक सामने यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, तो ये ना बंद होता है ऐसे करके। और यहाँ पर मैंने वो अलमारी रखी थी जो अभी आपको मैंने दिखाई, तो अब वो अलमारी हटा के और यहाँ पर मैंने पत्थर लगा लिया। एक्चुअली ये जगह आई डोंट नो चाहे फ्रिज के लिए था या जैसे डिशवाशर होता है उसके लिए था, तो फ्रिज तो हमारा आया नहीं था, तो मैंने सोचा शायद ये जगह बेकार चला जाएगा, तो मैंने यहाँ पे एक अलमारी बना ली जो कि मेरे लगा कि यूजफुल है, पर उसकी वजह से ना यहाँ जगह नहीं बन रही थी, तो मैंने इसीलिए इसको अब हटा दिया है और कल ही लगाया, तो इसलिए ये अभी लगा ही है, तो इस वजह से देख सकते हैं ये अभी कच्चा है, तो ये जब सूख जाएगा तो मैं हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा पेंट वेंट करूँ, और पेंट करने से ना फिर थोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये ढका हुआ था ना तो इसका भी ढक्कन निकल गया था, इस स्विच यूज में भी नहीं आ रहा था इसी वजह से, तो इन सबको भी सही करना है। सफाई तो हो गई है, बस इसको थोड़ा सा कलर करेंगे और कलर करने के बाद इसका फिर यूज होगा। और नीचे अभी मैं खाली जगह ही छोड़ूंगी क्योंकि नीचे सीलन भी है, सूखेगा भी, और जब सूख जाएगा फिर इसका कुछ हम करेंगे, अभी तो ये फिलहाल ऐसे ही रहेगा। तो बस यही टाइल लगवाई, टाइल नहीं इसको पत्थर बोलते हैं, तो ये पत्थर लगवाई है, काफ़ी मजबूत पत्थर, सेम ही पत्थर है जैसे ये पत्थर है ना, सेम पत्थर है ये, और ये सेम पत्थर यहाँ भी लगवाया है। तो बस ये लगाने के बाद ये सूख रहा है, अभी तो सूखा नहीं है। तो ये हमारे किचन में एक नया चीज़ लगा है। अब मेरा थोड़ा वॉश बेसिन का एरिया ना काफ़ी खुला खुला हो जाएगा, और मैं सोच रही हूँ कि ऊपर कप वगैरह टांगने के लिए रखूँ, एक मैंने लगा भी दिया है फिलहाल के लिए, और देखते हैं जैसे जो होगा उस हिसाब से करेंगे। और इस तरफ से हमारा ये किचन है जो कि अभी नाश्ता बना है तो तवा चढ़ा हुआ है, और बस यही है। तो आपको किचन का पूरा वीडियो मैं किसी और दिन दिखाऊँगी, आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द। तो अब एक और हमारा बुक सेल्फ है जिसको मैंने अभी कुछ दिन पहले क्रॉकरी रखने के लिए यूज़ किया था, तो उसको भी मुझे क्लीन करना था, तो मैंने ऊपर रखा हुआ था कुछ ग्लास के बर्तन, तो मैंने उसको पहले निकाला मतलब हटाया,
और उसके बाद इसकी डस्टिंग शुरू करी। तो सामान मैंने पहले ही हटा लिया था, तो डस्टिंग अब करनी थी। और डस्टिंग करने के लिए एक बहुत अच्छा मॉप है जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये। और इस कपड़े से ना बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, हल्का सा पानी से भिंगा देंगे तो भी बहुत अच्छे से इसमें डस्ट पार्टिकल्स जो भी है ना, मतलब वो इसमें चिपक जाते हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बस इस रैक की सफाई करूँगी। तो आज का जो पूरा मेरा वीडियो है ना, वो क्लीनिंग के ऊपर ही है। तो किस तरीके से मैं पूरा टाइम दिया है, और ये मतलब डस्टिंग ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत देर लगी है, 2 घंटे 4 घंटे लगी है, लेकिन हाँ थोड़ा धीरे धीरे काम हुआ, क्योंकि बैक कैमरा भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो डस्टिंग करने में तो आप यही मान के चलिए कि 10 से 15 मिनट लगता है, ज़्यादा देर नहीं लगती है अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे तो। तो यहाँ पे एक अलमारी मेरे पास और भी है, जो कि मैंने अभी पीछे भी दिखाया है, तो इसको भी मैंने खाली किया और इसकी भी डस्टिंग करी। नॉर्मल जो मेरे पास कोलिन है उससे मैंने किया, वैसे तो मैंने एक एडहेसिव क्लीनर बनाया हुआ है, लेकिन वो क्या है ना कि उसमें थोड़ा सा मैंने कुछ सोप वगैरह का भी लिक्विड डाला था, तो इसकी वजह से वो हल्का सा झाग हो जाता है। और कोलिन वगैरह को यूज करने से ये होता है कि वो सूख जाता है, तो सही रहता है। बस उसी से मैंने इस अलमारी को भी क्लीन किया। और ये सारा काम करते हुए आपको लग रहा होगा कि ऐसे फटाफट कर रहे हैं, लेकिन हाँ टाइम लगा मुझे, काफ़ी देर लगी, दोपहर से मतलब 9-10 बजे से लगी थी, तो आप मान के चलिए 3-4 बज गए थे मुझे। तो ये सारी चीज़ें तो पहले क्लीन करनी थी, और फिर सभी उसके अंदर के जो सामान थे उन सबको फिर लगाने में भी काफ़ी टाइम लग रहा था। तो अब मैं इस अलमारी की ऊपर की सफाई कर रही हूँ जो ग्लास का है, तो उसको क्लीन करने के बाद मैं सोच रही हूँ इसे मैं अपने किचन के अंदर ले जाऊँ, जिससे कि मुझे कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो होल्ड करने के लिए चाहिए होती है, तो मुझे कुछ मिलता नहीं रहता है। तो मैंने सोचा इस अलमारी को मैं रख के देखती हूँ, अगर वो सही लगा तो फिर मैं वहीं रहने दूँगी, नहीं तो फिर इसको बाहर ले आऊँगी। अभी भी ये बाहर ही रखा था, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि इसको थोड़ा सा किचन के अंदर ही ले चलती हूँ, और इसमें मेरी बेटी ने सहायता करी तो बस उसके सहारे मैंने इसको अंदर लगा दिया, और सही लग रहा था। बस इसमें अब सामान वगैरह देखती हूँ रख के, 2-3 दिन रख के देखूँगी, अगर सही से मुझे लगा कि इसके लगाने से कोई रुकावट नहीं हो रही है तो मैं रहने दूँगी, नहीं तो फिर इसको हटा दूँगी। तो इसको साइड में मैंने लगा दिया, जहाँ पे मेरा जैसे डोर है ना वहीं पे लगा दिया, और मैं काफ़ी देर तक इसको देखती रही कि ये सही लग रहा है कि नहीं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है ना कि लगता है कि अब पता नहीं ये सही रहेगा कि नहीं। तो इसके अंदर कुछ अब मुझे रखना था नीचे बेस के लिए, तो मैंने ये वॉल पेपर है वही लगा दिया, क्योंकि इससे ना थोड़ी सी कलरफुल लग रही थी। वैसे इसके अंदर मैंने लगाया हुआ था एक प्लास्टिक का जो सीट होता है वो, लेकिन मैंने उसे हटा के और बस इस पेपर को मैंने यहाँ पे लगा दिया है, तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अब इसके अंदर सामान मैं धीरे धीरे रखूँगी और देखती हूँ कि क्या सब रखती हूँ। What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the moment. तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके का रहा मेरा पूरे दिन का क्लीनिंग। और आप लोग भी अगर इसको देख करके अच्छा लगा हो और आप लोग भी इस तरीके से अपने घर को क्लीन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टी के लिए अरेंजमेंट किया है, और बाद में आपको दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ पर और क्या क्या